सो हे गाइस, क्या हाल चाल है? अपना नल्ला डिज्नी प्लस हॉटस्टार जितना नल्ला लगता है उतना नल्ला वैसे है नहीं, और मुझे नहीं पता मैं नल्ला नल्ला क्यों बोल रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सात ऐसे डिज्नी मूवीज की जो भी थिएटर्स में लगी हैं या फिर लगने वाली हैं, उनकी ओटीटी रिलीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। और हाँ, जो डेट्स मैं बोलने वाला हूँ वो फ्लक्चुएट हो सकती है, तो इसकी अंग्रेजी में एक कहावत है कि इसको चुटकी भर नमक के साथ लेना With a grain of salt। सबसे पहले Guardians of the Galaxy Volume 3 सबसे पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है बॉक्स ऑफिस में, 800 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमा लिए हैं और जुलाई में ही, जुलाई के स्टार्टिंग वीक में रिलीज हो जाएगी वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी आने वाली है 2 अगस्त को, तो इसको आप 2 अगस्त पे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जो भी लैंग्वेज में रिलीज हुई थी देख सकते हो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। नंबर 2 पे है द लिटिल मरमेड। इस मूवी ने अच्छा खासा क्या बिल्कुल भी कमाई नहीं करी है वर्ल्ड वाइड, लेकिन अमेरिका में सच्ची में अच्छा खासा कमा लिया है, तो अब ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अगस्त 23 को रिलीज हो सकती है। और हाँ, द मोमेंट भले ही हिंदी में रिलीज ना हुई हो, पर डिज्नी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि अपनी पॉपुलर हाई बजट मूवीज को हिंदी में रिलीज कर ही देता है जब वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आती है, तो अगस्त 23 हिंदी में शायद आ जाए द लिटिल मरमेड डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। नंबर 3 पे है एलिमेंटल्स। ये अभी फ्रेशली रिलीज हुई है थिएटर्स में और हिंदी में भी अवेलेबल है, तो अगर चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो, वरना सितंबर 13 को ये आ जाएगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एंड ऑब्वियसली हिंदी में। नंबर 4 पे है इंडियाना जोन्स की नई इंस्टॉलमेंट डायल ऑफ डेस्टिनी। वैसे मूवी का नाम इंडियाना है, पर इंडिया में ये मूवी कल को रिलीज होगी हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन मुझे पता है अपने बहुत सारे भाई बंधु कहेंगे कि भाई ओटीटी पे कब आए, तो सितंबर 27 को रिपोर्टेडली ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो जाएगी हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश ऑडियो के साथ। अब थोड़ी रॉ इंग्लिश कंटेंट की बात करी जाए तो डिज्नी की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी मूवी जो कि जुलाई में रिलीज होनी है, वैसे इंडिया की इसकी रिलीज डेट का अभी अता पता नहीं है, लेकिन जुलाई में वर्ल्ड वाइड रिलीज हो जाएगी। लेकिन हॉन्टेड मेंशन ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे तो इवेंचुअली आना ही है एंड वो डेट होगी अक्टूबर 25। तो अक्टूबर 25 को रिपोर्टेडली हॉन्टेड मेंशन आ जाएगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अब इस साल की मार्वल की आखिरी मूवी द मार्वल्स, और मैं लिख के देता हूं घंटा, किसी को कोई एक्साइटमेंट नहीं है, किसी ने मांगी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको मिल रही है। काफी ही मिसोजिनिस्ट लोग भरे पड़े हैं अपने यहां, क्यों नहीं देखना है तुमको MCU? तो इस साल जितना भी सिनेमा थिएटर्स में आ रहा है भाई, मेरी जेब तो अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो डेफिनेटली मैं तो स्किप करने वाला हूं। और अगर आप भी स्किप करने वाले हो तो यहां पे कान खड़े कर लो, क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे द मार्वल्स रिलीज होगी फरवरी 7 को। जी हां, अगले साल फरवरी 7 को द मार्वल्स मूवी रिलीज होगी। तो भाई अगर वेट कर सकते हो, तुम्हारी वेट करने की क्षमता। अब सबसे आखिर में एनिमेटेड मूवी विश, ये डिज्नी की एनिमेशन मूवी होने वाली है जिसमें अपने क्रिस पाइन भैया भी होंगे, और मुझे एब्सोल्युटली कोई आइडिया नहीं है ये मूवी किस बारे में है। बस ये मूवी साल नवंबर 22 को रिलीज होने वाली है थिएटर्स में। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा वेट होगा फरवरी तक का। जी हाँ, क्योंकि फरवरी 21 को यह रिलीज हो जाएगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। अभी इस मूवी का इंडिया का रिलीज का कोई अता पता नहीं है, तो हिंदी लैंग्वेज पे मैं कुछ ज्यादा कह नहीं सकता। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और मजेदार लगी हो तो डायरेक्ट पॉइंट को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया को फॉलो कर लेना।